नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ कुछ ठगों ने ऑनलाइन बैंकिंग का झांसा देकर लाखों रुपए की नकदी ठग ली। दरअसल मोहित कुमार जैन पुत्र जादूराम जैन की फर्म स्वास्तिक पल्सिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामली की C12 इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। उक्त फर्म में बेसन का निर्माण किया जाता है। 6 दिसंबर 2022 को करीब 12 बजे उसके मोबाइल नंबर पर फोन आया, जिन्होंने अपना नाम सुभाष चंद्र बताया और स्वयं को सेना नायक बताते हुए 10 कुंटल बेसन का ऑर्डर देते हुए लोकेशन बताई। खिलवाबैस पब्लिक स्कूल काकानगर शामली बताई। जब उन्होंने उसकी लोकेशन खोली तो लोकेशन मिल रोड शामली दिखा रही थी और उन्होंने 10 कुंटल बेसन लेकर ड्राइवर संजीव के द्वारा टेम्पो से शामली भेज दिया और बाद में नंबर मिलाने पर वह नंबर नहीं मिल पाया, लेकिन उसके फोन पर लगातार संपर्क होता रहा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैश पेमेंट नहीं दे पाएंगे और उनके अकाउंट में उनका नंबर ऐड कर लो, जिसके बाद थ्रू पेमेंट से रुपए डाल देंगे। उनके कहे अनुसार उन्होंने सेविंग अकाउंट में उनका खाता संख्या ऐड कर लिया, इसमें फिर दोबारा उन्होंने एक कोड दिया जिसमें 37,351 रुपए डालने के लिए बोला। फिर उन्होंने बाद में तीसरा कोड डालकर 49,999 की नकदी निकाल ली। फिर दूसरे अकाउंट जो उनकी फर्म स्वास्तिक पल्सिस इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड की थी, उससे भी उन्होंने फिर से दो बार ट्रांजैक्शन की। इस प्रकार कुल मिलाकर उनके अकाउंट से 210,347 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। इसकी शिकायत मोहित जैन ने पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये मामला ये है कि मेरे पास अज्ञात फोन से फोन न आया, जिसमें उन्होंने हमारे से 10 क्विंटल बेसन की डिमांड की। 10 क्विंटल की बेसन की डिमांड पर मैंने कहा पेमेंट कैसे मिलेगी, उन्होंने कहा कि कैश इस पते पर आप भेज दीजिए। उसके बाद उन्होंने हमने वो बेसन लदवा कर भेज दिया टेम्पो में। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जो ड्राइवर ने फ़ोन किया वो फ़ोन नहीं उठाया। तो ड्राइवर ने मुझे कहा, तो मेरे पास उनका मैसेज आया कि आप बेफिक्र रहिए, अभी हम आपसे संपर्क करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये फ़ोन आपके पास आएगा, हम कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपके अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे, वो अकाउंट नंबर दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है, आपको हम मोबाइल नंबर वो अकाउंट नंबर देंगे तो उसके थ्रू ही आपको वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। पहले आपको वो ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में करनी पड़ेगी, फिर एक बेसन की अमाउंट और जो आपकी अमाउंट आई है वो हम आपको वापसी कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने 5 ट्रांजेक्शन जो कि कुल 210,347 रुपए की है मेरे अकाउंट से करते रहे। और फिर बाद में भी मेरे पास ये फ़ोन आता रहा कि ये ट्रांजेक्शन और कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी रकम आपकी वापसी मिल जाएगी। जो ट्रांजेक्शन आपने की है जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी आपने की थी जी, बाकी जो 4 ट्रांजेक्शन है या कुल 5 ट्रांजेक्शन है, अकाउंट नंबर देते रहे मुझे, मैं उनमें ट्रांजेक्शन करता रहा। हर बार ट्रांजेक्शन के दौरान अकाउंट नंबर अलग था या सेम था? 2 अकाउंट नंबर थे। तो टोटल 5 ट्रांजेक्शन आपने किए? टोटल 5 ट्रांजेक्शन की, एक अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शन। पुलिस को इस मामले से अवगत करा दिया गया? मैंने पुलिस को अवगत करा दिया और साइबर जो सेल है 1930 नंबर, उसको भी सूचना दे दी है। जब मैं थाने में गया उन्होंने कहा कि आप इसके लिए टाइप करा कर हमें दे दीजिए, हम इसकी पूरी रिपोर्ट आपके लिए देंगे। और 1930 नंबर पर उन्होंने मुझे भेज दिया है, उनकी आ गई है मैसेज। उन्होंने कहा वो मैसेज आप थाने में दिखा दीजिए, उसके थ्रू आपको इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।